हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपाली मेहता वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें कैसे बोर्ड फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में भी आप वीडियो बनाइए। सो ऑन योर रिक्वेस्ट आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू फिल HSC बोर्ड एग्जाम फॉर्म फॉर 2021। सो लेट अस सी व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर बोर्ड फॉर्म फिलिंग एंड हाउ टू फिल इट एंड व्हाट प्रिपरेशन वी नीड फॉर इट। नाउ, जैसे कि लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको डेट्स तो बताई दिए थे कि फॉर्म फिलिंग के डेट्स क्या हैं, जो आपके स्टार्ट होंगे 15 दिसंबर 2020 टू 4 जनवरी 2021। नाउ इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक सर्कुलर बताना चाहूंगी, जिसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। पहले वो सर्कुलर देख लेते हैं एंड देन विल गो अहेड रिगार्डिंग हाउ टू फिल द फॉर्म। अब ये जो सर्कुलर है वो आया है फॉर 12वीं यानी कि 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो फॉर्म भरने का ये स्केड्यूल आया है। जो फर्स्ट ये कॉलम है, इट इज फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स। ओके, फ्रेशर्स जो है, रेगुलर स्टूडेंट्स है, उनको 15 से 4 तक भरना है, वेदर इट इज रिलेटेड टू आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। और जो वोकेशनल स्ट्रीम्स के हैं या प्राइवेट रिपीटर्स है या जो क्लास इंप्रूवमेंट के लिए जाना चाहते हैं, उनका डेट्स अलग है। उनका 5th जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा टू 18 जनवरी 2021। ऑलराइट, तो ये स्केड्यूल दिया गया है। बट यहाँ पे मैं दो इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहूंगी, क्योंकि बाकी सारे जो पॉइंट्स है इट इज फॉर द कॉलेजेस के लिए इंस्ट्रक्शंस है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो है 6 पॉइंट। जो स्टूडेंट इस साल प्राइवेट में फॉर्म भरने वाले हैं, वैसे तो इस साल बहुत ही कम स्टूडेंट्स फेलियर लिस्ट में है, बट जो भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, अगर उनको प्राइवेट फॉर्म भर के अपना एग्जाम देना है, सो उनको 17 नंबर का जो फॉर्म भरने का डेट है उसका अलग से एक टाइम टेबल आएगा। ये इस टाइम टेबल में इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट रिपीटर का था, यानी कि जो पहले ही ऑलरेडी एग्जाम एक बार दे चुके हैं फिर भी वो क्लियर नहीं हुए, तो उनके लिए वो जो डेट्स दिए गए हैं वोकेशनल्स के लिए दिए गए हैं, और जो क्लास इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं उनके लिए डेट्स दिए हैं। बट जो इस साल प्राइवेट देने वाले हैं उनका टाइम टेबल अभी तक आया नहीं है, उनका टाइम टेबल बाद में आएगा। एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज 8th, यानी जो क्लास इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं वो कौन से बच्चे दे सकते हैं, तो जिन्होंने अगर फरवरी मार्च 2020 में एग्जाम दिया या फिर अभी जो नवंबर दिसंबर 2020 में एग्जाम हुआ और वो सारे सब्जेक्ट में क्लियर हो चुके हैं, तो ही वो लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। अदरवाइज और कोई बच्चे इसको एग्जाम दे सकते नहीं है। यानी कि आपने अगर फरवरी मार्च 2020 से पहले कोई भी अगर एग्जाम दिया है तो आपको फिर क्लास इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा नहीं। सो ऐसे स्टूडेंट सिर्फ प्राइवेट रिपीटर का फॉर्म भर पाएंगे, जहाँ पे वो लोग फ्यू सब्जेक्ट्स एग्जाम्स दे सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सभी बच्चों के लिए, जहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से रिलेटेड है इस पर्टिकुलर सर्कुलर में से मैंने कवर कर ली है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस पर्टिकुलर सर्कुलर में दिया है, दैट रिगार्डिंग फीस का भी उन्होंने डेट दिया है, बट ये तो कॉलेजेस के लिए है कि कॉलेजेस ने ये फीस बोर्ड में जमा करना है। सो ये जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसकी एक सर्टन नॉमिनल फीस होती है। कुछ कॉलेजेस वो ईयरली फीस के साथ ही कलेक्ट कर लेती है, और कुछ कॉलेजेस एट द टाइम ऑफ बोर्ड फॉर्म फिलिंग फीस मंगवाती है सेपरेटली। सो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने ऑलरेडी ये फीस कलेक्ट कर ली है, और अगर नहीं की है तो वो आपसे मंगवाएंगे। सो रीड द नोटिसेस केयरफुली प्रोवाइडेड बाय योर कॉलेज। अब इस सर्कुलर में तो उन्होंने एम्फसाइज किया है दैट ऑनलाइन ही फॉर्म फिलिंग होना चाहिए, लेकिन वो किसने करना है? कॉलेजेस ने करना है। जो ये वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है ऑन www.mahassessboard.in पे, बट लेट अस सी हाउ द कॉलेजेस विल गो अबाउट फॉर्म फिलिंग। अब ये जो कोविड सिचुएशन है, इट्स अ बिग चैलेंज। अगर नॉर्मल सिचुएशन होता तो इतना हमें टेंशन ही नहीं होता रिगार्डिंग बोर्ड फॉर्म फिलिंग, बिकॉज आप सब रेगुलरली कॉलेज जाते ही। सो इन दिस सिचुएशन इट्स अ बिग टास्क, बट फिर भी कॉलेजेस 3 तरीके से बोर्ड फॉर्म फिल करवा सकती है। फर्स्ट, उनको आपको कॉलेज बुलाना ही पड़ेगा, बट इन स्मॉल स्मॉल स्लॉट दे कैन कॉल यू। कि आपको एक प्रिंटेड फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको सारी अपनी डिटेल्स भरनी है, फोटो स्टिक करना है, और वो कॉलेज में जमा कर देना है, एंड देन कॉलेज विल डू द फर्दर प्रोसीडिंग्स। यानी ऑनलाइन वो सब डेटा फिल करना, आपकी फीस तो कॉलेज ही पे करती है ऑलवेज ऑन योर बिहाफ, लेकिन जो डेटा है वो कॉलेज आपका फिल करेगा थ्रू योर प्रिंटेड फॉर्म जो आपने डिटेल्स भर के दिया है उस हिसाब से। सो आपको कॉलेजेस में बुलाया जाएगा इन स्मॉल स्मॉल स्लॉट्स। दूसरा, अगेन दे कैन कॉल यू इन द कॉलेज फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। यानी आपको कॉलेज में बुला के अगर उनके पास कंप्यूटर लैब का फैसिलिटी है और वो डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि आप इसमें डिटेल्स भरते जाओ, तो आपका डायरेक्टली बोर्ड फॉर्म फिल हो जाएगा ऑनलाइन ही, बट दे विल कॉल यू इन द कॉलेज। थर्ड ऑप्शन इज दैट ऑनलाइन फॉर्म टू बी फिल्ड बाय स्टूडेंट। तो जो कॉलेजेस है, एक लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड
प्रोवाइड करेगी। सो उसके थ्रू स्टूडेंट अपना बोर्ड फॉर्म फिल कर सकता है और फिर फीस पेमेंट भी उसी को करने को बोल सकते हैं या फिर कॉलेज उनके बिहाफ पे भी कर सकती है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज दिस पर्टिकुलर टास्क ऑफ बोर्ड फॉर्म फिलिंग। बिकॉज इन द फर्स्ट केस जहाँ पे आपको प्रिंटेड फॉर्म भरना है, फोटो चिपका के आपको दे देना है अलॉन्ग विद द फीस, इफ दे हैव नॉट कलेक्टेड द बोर्ड एग्जाम फीस तो आपका काम खत्म हो जाता है। ऑनलाइन फॉर्म अगर आपको फिल करना है कॉलेज में जाके तो यस, उनके ही सुपरविजन में आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। बट सबसे चैलेंजिंग ये रहेगा कि अगर कॉलेजेस ने आपके ऊपर टोटली छोड़ दिया कि आप अपने आप से फॉर्म भरो और वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देते हैं, सो दैट विल बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। और ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू मैं आपको लाइव डेमो नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज ये जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है वो बोर्ड से ही आता है हर एक कॉलेजेस को, और वो यूनिक आईडी और पासवर्ड होता है जो ऐसे ही किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया जा सकता, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे वो लाइव डेमो नहीं दिखा पाऊंगी। सो अल्टीमेटली द मेन पॉइंट इज इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज कि वो कैसे ये पूरे प्रोसेस को प्लान आउट करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई कैन टेल यू इज दैट व्हाट यू नीड फॉर एचएससी एग्जाम बोर्ड फॉर्म फिलिंग। इफ यू आर फिलिंग ऑनलाइन, सो फॉलोइंग टू थिंग्स यू कीप रेडी इन योर पेन ड्राइव। अगर आप कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो आप पेन ड्राइव में ये चीज कैरी करो, या अगर आपको खुद से भरने के लिए बोला जा रहा है आपके कॉलेज में से तो आपके डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप पे ये दो चीजें आप रेडी रखो। That is first is scanned passport size photograph in JPG format and it should not be more than 20 KB. यही size होना चाहिए, otherwise वो accept नहीं करेगा। Another thing is scanned student signature in JPG format. It should not be more than 10 KB. तो किसी एक blank paper पे अपना signature करो, उसको scan करो और उसे अच्छे से क्रॉप करो, और वो साइज 10 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो accept नहीं होगा और आपका form भी submit होगा नहीं। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म फिलिंग के लिए कॉलेज में बुलाया जाता है देन यू कैरी अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एंड वेदर इट इज ऑनलाइन और वेदर इट इज यू नो रिलेटेड टू प्रिंटेड फॉर्म फिलिंग, यू कैरी योर एसएससी मार्कशीट, बिकॉज इफ देयर इज एनी इन्फॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम द एसएससी मार्कशीट सो इट विल बी हैंडी, सो यू कैन फिल द थिंग्स डायरेक्टली, अदरवाइज फॉर दैट वन थिंग योर फॉर्म फिलिंग विल स्टक। सो आई होप आई वॉज एबल टू सॉल्व योर डाउट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।